की पूरा मैटर है तुम दसना चाहोगे? देखो मैटर तो तुम ऑडियो दे ही दी, सारा पता लग ही जाएगा। ये दो इंप्लाई आपस गल कर रहे हैं जिद एक फीमेल है और एक मेल है, वो आपस गल कर रही हैं और वो ऑडियो लीक हो गई। वो लीक किदा हुई अलग विषय हैगा, पर ऑडियो 18 मिनट की लीक हो गई, जिदे बड़ा एक्सप्लेन करके दस रही है भी किस तरीके नाल ओदी जो है सैक्सुअल हरासमेंट हो रही है, जबकि वो गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक इंप्लाई है। सानू कहंदे हुए भी शर्म आउंदी जदों नां सिख या गुरद्वारा आ जांदा भी इस तरह का इशू होया, लेकिन क्योंकि एक अदारे का नाँ इस तरह पै गया तो लैना भी पै रहा, लेकिन बड़ी शर्म आती है कि उस तरह के एक धार्मिक संगठन के अंदर इस तरह की कोई चीज़ हुई है। देखो आरोप का बदले ना आरोप नहीं हो सकता, मैं कोई आरोप लगावा जवाब आरोप लगा दो, आरोप का थानू पर्टिकुलर उन्होंने पॉइंट्स से जवाब देना पैना जो थोड़े से आरोप लग रहे हैं। ये वो तो कुछ बोल नहीं रहा, वो लेडी बोल रही है, प्रधान का भी ना लै रही, सकत्र का भी लै रही, दो मैंबर का भी लै रही, और वो एक इंप्लाई है, उसके इंप्लाई है कड़िया हुआ। इंप्लाई का मतलब ये नहीं है कि उन्हें जो इशू चुकया गया तो कोई मतलब जगह नहीं है, यह बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये पूरी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच होनी चाहिए है जिन्हें जिन्हें भी ना आ रहे हैं उन्होंने सिद्धांतिक बेस से रिजाइन करना चाहिए। तो लगता नहीं कि यहोजी ऑडियो क्योंकि दो बंदे आपस से ही गल कर रहे हैं, कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है? देखो देखो मेरी गल सुनो, एक बंदा सत्ता पक्ष बैठा है वो इंप्लाई है, इंप्लाई ने एक डर भी होता जो उस ऑडियो च बार बार कह भी रही है कि मैंने डर है मैंने नौकरी तो नहीं कट देंगे, उन्होंने अपनी नौकरी का भी डर है। ये तक बंदा इदा नहीं बोल सकता जब तक वो सच्चा ना हो, अगर वो सच्चा है तो ही अपनी नौकरी भी दाते लगाएगा। और दस रही है कि मैं इस इशू के उत्ते GM और प्रधान मिल के आई हाँ, मैं ये गल् उन्होंने दस के आई हाँ और मैनू पूरी आस है कि इनू मतलब ज़्यादा इनू हटाता जाएगा चेयरमैन तो, होर इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा। ये एक नारी सुरक्षा के उपर एक क्वेश्चन मार्क है, और नाले ये भी चीज़ हैगी है कि वो ये सोच रही है भी कार्रवाई किसी ने कुछ करनी नहीं, इस तरह की इनसिक्योरिटी की भावना फीमेल एम्पलाइज के खास तौर पर धार्मिक संगठन के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये तो कार्रवाई होनी चाहिए। नैक्सट एक्शन देखो असी यही हैगा कि गौरमेंट में चिट्ठियां लिखांगे, इस मुद्दे को पूरा चुकया जाएगा, साडा मतलब राजनीतिक नहीं हैगा, इहदे अंदर जिहड़ी साडी भैणां साडी बेटियां कम कर रही हैं एक इहो जिहा माहौल जरूर दिता जाए जिहनूं लै के वो पूरा सिक्योर फील करन। जे आपां धार्मिक संगठनां दे अंदर भी एक सिक्योर माहौल नहीं दे सकते तो फिर आपां अदारे क्यों चला रहे हैं, क्यों आपां समाज नूं बदलन दी गल करदे हैं, क्यों आपां इह गल्लां करदे हैं कि समाज दे विच कोई इशू हुंदा आपां भज के पेरिस तिकर धरने मारन चल जांदे हां पग दे इशू ते, ये इशू जिदे विच किसी नारी दी किसी लेडी दी इज्जत एसोसिएट है ये किसी पग दे इशू नालों घट्ट है, वाई दे आर साइलेंट? अगर वो ठीक ने तो बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देंदे? हुण इह ना होए ना कि अपना एक मीडिया प्रभारी तक जवाब दे देन, ये डायरैक्ट एलीगेशन है, डायरैक्ट जवाब देना चाहिए उन्होंने।